हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें पीजीटी टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है। और देखिए दोस्तों, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर जो सैलरी मेंशन की गई है उसमें 32,500 तक यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है ये 16 फरवरी तक रखी गई है। तो आप यहाँ पर 16 फरवरी से पहले पहले अप्लाई कर दें और 16 फरवरी को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से आपके यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भर्ती आई हुई है ये केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर में आई हुई है। जो मुल्लानपुर पड़ता है ये चंडीगढ़ में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं। इसकी हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल दी है, तो आप इसको ओपन करके भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जाएँ तो यहाँ पर www.kbmullanpur.com करके भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से होम पेज दिखाई देगा और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर की यहाँ पे ऑफिशियल साइट खुलेगी। और इस प्रकार से देखिए ये होम पेज पे आ गया हूँ मैं। तो आप यहाँ पे होम पेज पर जैसे ही आते हैं तो आपको इस प्रकार से साइट दिखाई देगी। आपको यहाँ पे जाना है साइट में और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ डाउनलोड दिया गया, लेटेस्ट अपडेट दिया गया है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो इस पर जाना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहीं पर आप देखें तो देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिया गया क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइनल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और इसके बगल में अगर आप देखें तो क्वालिफिकेशन पे भी हम क्लिक कर लेते हैं, उसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, तब हम इसे पढ़ते हैं डिटेल से। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड कर लिया, आप भी चाहें तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर की। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आजकल केंद्रीय विद्यालय में अंशकालीन टीचरों की भर्ती की जा रही है, तो एक बार आप भी अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय की साइट में चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो केंद्रीय विद्यालय की जो विद्यालय हैं यहाँ पर अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो एक बार आप अगर जहाँ पर भी रहते हैं, जिस राज्य में भी रहते हैं, तो आप अपने आसपास केंद्रीय विद्यालय में की वेबसाइट पर एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि अधिकतर जो केंद्रीय विद्यालय हैं यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए हमने यहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, अब इसे डिटेल में देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन दिया गया है, वॉक इंटरव्यू के थ्रू आपका जो होगा यहाँ पे टीचिंग का टीचर के लिए आपकी यहाँ पे भर्ती की जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, यानी लास्ट डेट हम कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू की डेट रखी गई है वो 16 फरवरी 2019 को रखी गई है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी वही है जो आपने देखा होगा, जो हमेशा यहाँ पे पीजीटी टीजीटी के लिए रखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट आई हुई है पीजीटी में वो आई है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस इसकी आई हुई है। इसके लिए आपको 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी किया होना चाहिए या एमएससी किया होना चाहिए, और साथ में आपने कोई भी बीएड वगैरह की है, मास्टर डिग्री वगैरह ली है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इसका, आप देख सकते हैं। तो बीएड होना चाहिए आपका, पीजी होना चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की भी आई हुई, इसमें बताया गया कि 50% चाहिए। तो वही सब है जो हर बार जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वही इसमें भी मांगा गया है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में देखिए यहाँ पे किसी किसकी पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स इसकी पोस्टें आई हुई हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपने अगर टेट वगैरह क्वालिफाई किया है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड किया है आपने और ग्रेजुएशन किया है उसके साथ, अगर आपने टेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के देखिए पीआरटी में भी दिया गया है, यहाँ पर पीआरटी के लिए भी देखिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी आई हुई हैं। पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी में भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, साथ में अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी आई हुई है और इसके बाद काउंसलर की भी यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं। तो देखिए इसके लिए आपको इसकी साइट पे जा करके आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भर करके इसको साथ ले आना है। वहाँ पे आपका वॉक इंटरव्यू होगा और इसके द्वारा आपकी भर्ती की जाएगी। तो मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कैसा आपको फॉर्म है, जिसको आपको इसके अपने साथ भर के इसको लेके जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर गौर करें तो यहाँ पे दिया गया है केंद्रीय विद्यालय मुल्लानपुर गरीबदास, ठीक है। तो ये पंजाब के आसपास पड़ता है, ठीक है, पंजाब चंडीगढ़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपको इसमें क्या क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, पोस्ट किसके लिए पोस्ट करें आप, टीजीटी पीजीटी पीआरटी वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपकी एक फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी है अपनी, और यहाँ पे लिखना नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखना है, इसके साथ ही साथ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मेल
मेल फीमेल जो भी हैं आप उसको लिखना है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर आपके पास पैन नंबर है तो आप पैन नंबर डाल सकते हैं, फिर आपको अपना पोस्टल एड्रेस डालना है, फिर टेलीफोन नंबर यहाँ पे डाल देना है, फिर कैटेगरी आप किस में किससे बिलोंग करते हैं, एसटीएससी ओबीसी जनरल जो भी आप कैटेगरी है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपनी डिग्री डालनी है, यहाँ पर ट्वेल्थ का लिखा गया है, यहाँ पर आप पूरा डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सब डाल सकते हैं, टेंथ ट्वेल्थ, फिर उसके बाद बीएससी अगर किया आपने, एमएससी किया या फिर बीएड किया है, तो ये सब का सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने परसेंटेज आए, ये सब आपको डालना है। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा अगर आपने किसी स्कूल में पहले से पढ़ाया हुआ है तो ये काफ़ी माने होता है, अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया होता है तो थोड़ा इसमें जो वरीयता होती है वो आपको ज़्यादा मिलती है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं, और कितने टाइम पर आपने काम किया ये सब डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने एनसीसी स्काउट या फिर किसी गेम्स में पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट डालना, सिग्नेचर करना है, और आपको ये लेके अपने साथ जाना है। तो इस प्रकार से आप इसको लेके जाते हैं तो आपका वहाँ पे वॉक इंटरव्यू होगा, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए आप ऑफिशियल साइट में भी जा सकते हैं और आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और इस प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे।